हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लन्नू टेक्निकल में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा काइन मास्टर से एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाएं बिल्कुल आसान तरीका से। तो इस वीडियो में आज मैं आपको इस तरह का वीडियो बनाना सिखाऊंगा, देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, विस्थापन की परिवर्तन के दर को ब्लैंक कहा जाता है। ए दूरी, बी वेग, सी गति और डी त्वरण। और इसका सही आंसर है बी वेग। तो दोस्तों, इस तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना होगा। और दोस्तों, अगर आपको काइन मास्टर प्ले स्टोर से ना मिले तो मैंने एक वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर वो वीडियो देखकर उसके डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर बिना वाटरमार्क वाला आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अपने काइन मास्टर को खोल लेना है। ओपन करने के बाद आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको मीडियम चला जाना है। मीडियम जाने के बाद एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद आपको, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से टेक्स्ट ले लेना है। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ कॉपी करके क्वेश्चन रखे हुए हैं, मैं उसको यहीं पर सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आ गया मेरा क्वेश्चन आ गया। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, तो फिर से हमको ये ऊपर देखिए कीबोर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके फिर से मैं चला जाता हूँ। जाने के बाद इसको मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ, तो ये दो पार्ट में हो गया, ऊपर नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज कर लेना है। यहाँ से कलर आपको ब्लैक कर लेना है। ब्लैक कर लेंगे तो ये देखिए आपको दिखने लगेगा। और दिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डबल ए का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको इसको बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने पर आपको ये देखिए अच्छे से दिखने लगेगा। इसको उठा के आपको यहाँ पे सिंपली रख देना है। तो रखने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस पर फिर देखिए नीचे जो लेयर है, इस पर लेयर पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें एक एनिमेशन लगाना है जो कि आपको थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों, एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन एनिमेशन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको देखिए वाइब राइट लिखा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का हमारा क्वेश्चन आने लगेगा। तो ये थोड़ा सा तेज है, तो दोस्तों इसका थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा क्वेश्चन इस तरह का लिख के आने लगेगा। तो दोस्तों आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस भी नीचे लाकर दिखा दूंगा। और दोस्तों उसके लिए देखिए ऑप्शंस, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। और ऑप्शंस लाने के लिए मैंने फिर से कुछ ऑप्शंस लिख कर रखे हुए हैं अपने पास। मैं देखिए यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट में फिर से आपको चले आना है। तो मैंने ये देखिए लिख कर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा हमारे क्लिप बोर्ड पर। इस पर मैं ऐसे करके सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे ऑप्शंस। तो ये देखिए हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो आपको सिंपली पहले इसको सेट कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों देखिए ऐसे लेकर आपको आ जाना है, यहाँ पे देखिए आ गए हैं। और इनको फिर से इनके लेयर पे सेलेक्ट करके इनको सिंपली यहाँ से उठा के ऐसे रख देना है। दोस्तों ये देखिए हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर देना है। मैं देखिए आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का छोटा कर देना है। और छोटा करने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ऊपर ब्लैक दिख रहा है, नीचे भी ब्लैक दिख रहा है, तो ऊपर का मैं कलर थोड़ा आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ जो बॉक्स दिख रहा होगा कलर का, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फिर दोस्तों आपको इसी के लेयर पर क्लिक करके नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना और इसको सिंपली इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर देना है कि थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे उसी आउटलाइन के नीचे एक शेडो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा हमारा लग रहा है, बिल्कुल HD टाइप में बिल्कुल लिख कर आ रहा है देखिए। और दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के लेयर पर फिर से क्लिक करके करना है। और करने के बाद आपको नीचे जाकर बस इसको शैडो दे देना है। यहाँ से आप इनको शैडो दे दीजिएगा। शैडो देने के बाद आपको या इसमें बैक चले आना है। बैक जाने के बाद फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, ऑप्शंस की लेयर पर।
और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसका फॉन्ट बोल्ड कर देना है। दोस्तों ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें दोस्तों नीचे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके ऑप्शन पर मैं क्लिक करके दोस्तों पे देखो इन एनिमेशन दे दूंगा, जैसे कि बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। इन एनिमेशन देने के लिए आपको सिंपली इसी के ऑप्शंस के लेयर पर क्लिक करना है और इन एनिमेशन में चले जाना है। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाइप डाउन वाला, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो वाइप डाउन है ये वाला आपको सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरह का आपका ऑप्शन आने लगे। आने के बाद आपको सिंपली इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि ये स्लो थोड़ा सा आए, और इसको थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा कम कर देना है, ऐसे करके कम कर देना है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया है। और फिर दोस्तों इसमें क्या है, आपको सेकंड लगाने हैं। सेकंड अगर आप लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली अपने यूट्यूब से जाकर कोई भी नो कॉपीराइट 1 से 5 तक सेकंड चलने वाला कोई सा भी ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर लेना है जो नो कॉपीराइट हो, और डाउनलोड करके इस पर सिंपली लगा देना है। तो दोस्तों आपको सिंपली वही 5 सेकंड वाला एक काउंट डाउनलोड कर लेना है ग्रीन स्क्रीन का। और ग्रीन स्क्रीन का डाउनलोड करने के बाद आपको देखो सिंपली आपकी वीडियो जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि कहाँ से ये क्वेश्चन मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा कि आप कहाँ से ये वीडियो कॉपी पेस्ट करें। अगर नहीं काम करता या लिंक मैं देना भूल जाता हूँ तो आप नीचे कमेंट करिएगा इस वीडियो में, कमेंट पे मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियो कहाँ से, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से कॉपी पेस्ट करने हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।